हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अंजना लाल स्टडी। फ्रेंड्स, शिक्षक दिवस आने वाला है, इसलिए आज मैं आपके लिए शिक्षक दिवस पर भाषण का वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में आप सीखेंगे शिक्षक दिवस पर भाषण कैसे बोलें या शिक्षक दिवस पर भाषण कैसे लिखें। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। शायरियों के साथ बहुत ही अच्छा भाषण है, मंच पर तालियां बजेंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। भाषण की शुरुआत में सभी को संबोधित करते हुए कहेंगे, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे साथियों, आज 5 सितंबर अर्थात शिक्षक दिवस है। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के सामने शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर चंद पंक्तियां बोलना चाहती हूं। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को प्रणाम करती हूं। जमीन से आसमान तक पहुंचाने की रखते हैं जो हुनर, ऐसे शिक्षकों को मैं दिल से सलाम करती हूं। इसके बाद बोलेंगे, शिक्षक ज्ञान का वह सागर है जो जीवन भर अपने छात्रों के जीवन को संवारने में लगा रहता है। छात्र मिट्टी के समान होते हैं, जिन्हें एक शिक्षक एक आदर्श स्वरूप देने की हर संभव कोशिश करता है और देश को एक जिम्मेदार ज्ञानवान नागरिक देता है। शिक्षक अपने छात्र के जीवन को वह गति प्रदान करता है जिससे वह इस देश और समाज के विकास में अपनी भूमिका बखूबी निभा सके। हम अपने जीवन में एक शिक्षक की भूमिका को शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। आने वाले कल के लिए हमारा आज वह बनाता है जीवन रूपी इमारत की नींव, जो बन जाता है शिक्षक वह कहलाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक पक्की नींव पर ही एक सुदृढ़ भवन खड़ा किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षक वह व्यक्ति है जो विद्यार्थी रूपी नींव को सुदृढ़ करके उस पर भविष्य में सफलता रूपी सुदृढ़ भवन खड़ा करने में सहायता करता है और उसे एक सफल इंसान बनाता है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए उसका सम्मान बहुत ही आवश्यक है। गुरु का महत्व ईश्वर से भी ऊपर दिया गया है। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो करे काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बत मिलाए। अर्थात जब आपके सामने गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हों तो आप सर्वप्रथम किसे प्रणाम करेंगे? गुरु ही आपको गोविंद यानी भगवान तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करता है। अतः गुरु भगवान है और महान है, और आपको अपने गुरु का ही चंदन सर्वप्रथम करना चाहिए। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मय श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, गुरु ही सब कुछ है, इसलिए सबसे पहले गुरु का नमन करना चाहिए। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। डॉक्टर कृष्णन का शिक्षा के प्रति विशेष रुझान था। उनका कहना था कि बिना शिक्षा के व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। वह कहते थे, व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी के मस्तिष्क में तथ्यों को डालकर उसे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भी स्वयं अपने जीवन के महत्वपूर्ण 40 साल शिक्षा के क्षेत्र में दिए और कई विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार किया। बाद में वह आज़ाद भारत के उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राधाकृष्णन का शिक्षा के प्रति रुझान देखते हुए उनके जन्मदिन को ही भारत के शिक्षक दिवस घोषित किया गया। उनकी और उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया योगदान शिक्षकों का सबसे बड़ा सम्मान है। गुरु शिष्य का संबंध भारत की संस्कृति का वह अमर पवित्र रिश्ता है जिसके कई स्वर्णिम उदाहरण इतिहास में प्रचलित हैं। ऐसे महान शिक्षकों के लिए मैं शब्दों में क्या बयां करूं?
उनके लिए तो दुनिया का हर शब्द छोटा पड़ जाएगा, और फिर भी उनके चरणों में दो शब्द समर्पित करती हूँ। ना तारीफ के शब्दों की है उसकी चाहत, ना महंगे उपहारों से होती उसकी इबादत। उसे मिलती है तभी आत्मीय शांति, जब फैलती है विश्व में शिष्य की क्रांति। किंतु हम इस कटु सत्य से मुख नहीं मोड़ सकते कि आज कैसे शिक्षक अपने ज्ञान की बोली लगाने लगे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो गुरु शिष्य की परंपरा कहीं ना कहीं टूटी है। आए दिन शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के साथ और विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के प्रति दुर्व्यवहार की खबरें सुनने को मिलती हैं। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है, गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। अंत में हम लिखेंगे, अतः विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों का ही दायित्व है कि वह इस महान परंपरा को बेहतर ढंग से समझे और एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। ज्ञान से इंसान को बेहतर बनाते हैं गुरु, जीवन भर कितना कुछ सिखाते हैं गुरु। इस कर्ज को कोई उतार नहीं पाएगा क्योंकि अनमोल खजाना लुटाते हैं गुरु। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।